ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनिमत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध न करना मोदी सरकार के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा, लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनिमत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग भी नहीं रखी और इसे मान लिया। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे, उनके साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने बिरला को बधाई दी, उसके बाद पीएम से भी हाथ मिलाया। ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव हारे नहीं। साल 2003 में कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 में कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी। साल 2013 में तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी भी हुए। तब से लेकर अब तक यानी कि 2019 और 2024 में भी उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा है। साल 2019 में बीजेपी ने उनको स्पीकर बनाया। संसदीय अनुभव ना होने के बाद भी ओम बिरला ने सदन को चलाया। 19 जून 2019 को वह सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। साल 2019 में वो 17वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वह कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा में वो कोटा और कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार विधायक चुने गए। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल तक हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हाउस देश की जनता की आवाज है। सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है। ये जरूरी है कि जनता के बीच विश्वास बना रहे। मुझे विश्वास है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने का मौका देंगे। सवाल ये है कि जनता की कितनी आवाज को यहाँ मौका मिलता है। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this house represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents
द वॉइस ऑफ इंडिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आपके पास 5 साल का अनुभव है, वहीं आपको पुराने और नए सदन का अनुभव है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज न दबाई जाए, ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता भी है, सत्ता पर भी है। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा ना। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं, और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं।